हाय हेलो सत श्रीकाल, दिस इज मानसी युवराज हंस और आज का व्लॉग है मेरे बैग्स की कलेक्शन, जो मैंने पिछले 7, 8, 10 साल से जो बैग्स कलेक्ट किए हैं वो मैंने अभी तक संभाल के रखे हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और हर बैग के साथ एक स्टोरी है, वो क्या है मैं आप लोगों से बताती हूँ। हाय हेलो सत श्रीकाल, दिस इज मानसी युवराज हंस और आज का व्लॉग है मेरे बैग्स की कलेक्शन। ये शो ऑफ नहीं है, जस्ट मुझे ऐसे लगा कि मेरे पास चीज़ें पड़ी हुई हैं जो मैंने बड़े सालों से कलेक्ट की हैं, मैं अपनी कलेक्शन आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। आई एम श्योर हर लड़की को किसी ना किसी चीज़ का शौक होता है, किसी को वॉचेस कलेक्शन का, किसी को बेल्ट का, किसी को शूज़ का, किसी को बैग्स का, किसी को कपड़ों का, किसी को जैकेट्स का, सबका अलग अलग चॉइस होता है। सो मेरी वन ऑफ द चॉइसेस में से बैग्स कलेक्शन है जो मुझे अच्छा लगता है, सो मैं वो आप लोगों से शेयर करना चाहती थी। वो कहते हैं ना, जब मैंने स्ट्रगल करना शुरू किया था तब मेरी चॉइस कैसी होती थी, तब से लेके अभी तक के बैग्स, चाहे मेरा पति मुझे लेके दे रहा है या मैं अपनी सेविंग से कुछ ले रही हूँ, तो हर चीज़ के पीछे एक स्टोरी है, वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। स्टे ट्यून्ड। और जो पीछे एक कलाकृति की मेरे बच्चे ने ड्राइंग की हुई है, सो प्लीज़ अवॉइड इट। और अभी बहुत खलारा है, विच आई डोंट वॉन्ट डिस्कस बिकॉज हम लोग अभी जलंधर जा रहे हैं और साल का पहला दिन है, तो मैंने सोचा व्लॉग बनाया जाए, कुछ भी बनाओ बट बनाना है, क्योंकि मेरा अपने आप से ये प्रॉमिस है कि मैं इस साल ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग बनाऊं, जो मैं बड़ी लेज़ी हो जाती हूँ। मेरी लाइफ में अगर कुछ होता है या टेंशन होती है, कुछ भी होता है, तो मैं सब चीज़ें छोड़ छाड़ के ऐसे बैठ जाती हूँ। जैसे कि कल न्यू ईयर पार्टी थी, ये दो कैदी देख सकते हो आप, जिनकी न्यू ईयर पार्टी मेरी वजह से ख़राब हुई, बिकॉज मैं घर पर कोई नहीं, मतलब सब थे बट यू सिंह नहीं थे, तो हमें लगा यार किधर जाएँ, बोर हो जाता थोड़ा और वो मोटिवेशन सी नहीं आती कुछ करने के लिए, तो इन बेचारों को, कैदियों को मैंने घर पर रखा। और बट मैंने सोचा कि नहीं, आगे से कुछ भी हो हमें हर दिन सेलिब्रेट करना है, सो ये मेरा खुद से प्रॉमिस है। इन्होंने की, फिर हमारी सोसाइटी वाले आ गए बेचारे, इन्होंने स्पीकर, सोचा डांस ही कर लिया जाए, बट ठीक है, जो आज का व्लॉग है हम उस पर आते हैं। हाय खलारा, एनीवेज ओसीडी, चलो जाने दो, अभी हम लोग निकलने वाले तो इसलिए अभी सब ऐसा ही है। तो लेट मी शो यू माई कलेक्शन। वो बेचारा कितने अनाथ ही जरा पाया, विच कलेक्शन च रख दो। स्ट्रगल ब्रो। यस। सो ये है मेरे बैग जिनकी कुछ के टैग्स भी नहीं उतरे हैं, बट ठीक है। सबसे पहला ये है बैग एलवी का, जो मेरी फ्रेंड खुशी ने मुझे दिया था जब हम लोग मतलब साथ में रहते थे बॉम्बे में, आज से 6-7 साल पहले की बात है। हालांकि ये बैग उससे भी पुराना है, बिकॉज ये बैग उसका पहला बैग था जो उसने ब्रांडेड बैग या लग्जरी बैग कह सकते हैं जो लिया था। पर जब कहते हैं हम दोनों स्ट्रगल कर रहे थे और जब उसने अपने आप को अपग्रेड किया, तो उसने ये बैग मुझे कहा कि मानसी ये तुम रखो, मेरे लिए बैग हमेशा लकी रहा है तो ये तुम्हारे लिए भी लकी रहा। और एक्चुअली लकी रहा है, लड़कियाँ बोली ये बैग्स के लिए लकी रहा है, मतलब होता है मेरे लिए बैग्स के लिए भी लकी है। सो जो ये कलेक्शन है ये सब उसके बाद ही हुई है। सो ये सबसे पहला बैग था जो मुझे खुशी मिली और ये मैं हमेशा संभाल के रखती हूँ। और उसके बाद जो बैग था, इसी का भाई जो मैंने लिया था, मैंने और यूवी सिंह जी ने सबसे पहले बैग जो लिया था ये वाला, मतलब मुझे जो लेके दिया था जिसमें मैंने MYH इनिशियल्स भी करवाए थे। और ये बैग मैंने लिया था कहाँ से, नहीं दिल्ली से ही लिया था। यस, ये वाला बैग दिल्ली से था। तो ये सेकंड बैग था और उसके बाद जो मैंने लिया था ये बैग्स के साथ, ये बैग के साथ मेरी मेमोरी है कि हम लोग जब लंदन गए थे हनीमून के लिए। शो ऑफ नहीं है, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बड़ी अचीवमेंट होती है कि हम बॉम्बे गए हैं, बॉम्बे से मतलब मैं लंदन गई हूँ और हस्बैंड के साथ गई हूँ, वो बड़ी एक अच्छी वाली मेमोरी थी। ठीक है, सो ये बैग तब मैंने लिया था, हालांकि ये बड़ा कम यूज़ होता है क्योंकि मैं आधा घर लेके चलती हूँ, इसमें चीज़ें ज़्यादा नहीं आती, तो जो फैशन मारना होता है ना, किसी के साथ मैचिंग करनी होती, तो मैं ये ले लेती हूँ। सो मैं साथ साथ पैक भी करती जा रही हूँ क्योंकि अभी मैंने जाना है जलंधर, तो साथ साथ काम आसान हो जाएगा। सो ये मेरा वो वाला बैग है जो मैंने लंदन हनीमून में लिया था अपनी शादी को, जब एक ही महीने हुआ था। उसके बाद ये छोटू मोटू बैग है, भूल जाती हूँ मैं, हाँ ये जूसी कटोर, जो जैसे प्रोनाउंस करना चाहता है, ये उसका बैग है। ये मैंने डार्वे से लिए थे, डार्वे से मैंने दो बैग इकट्ठे मंगवाए थे, DKNY और ये वाला। मेरा बच्चा देख लो प्लीज़, रो रहा है, सॉरी माँ बिजी है व्लॉग बनाने में और बच्चा बाहर रो रहा है, मतलब वो तंग कर रहा है। सो ये वाले वो बैग्स हैं
सो अभी कम यूज होते हैं, बट फिर भी मैंने संभाल के रखे क्योंकि कब कौन सी कहाँ चीज मैच हो जाए, किसके साथ कपड़ों के साथ कौन सी जा रही है, तो आप उसमें यूज कर सकते हो. एंड देन उसके बाद यस, ये दो बैग भी मैंने लंदन से लिए थे. वहाँ पे ना एबिस्टर विलेज है, आई एम श्योर बड़े लोगों को पता होगा, लेकिन जो जो लोग मेरे जैसे हैं, जो एक छोटी फैमिली से उठ के आए हैं, उनके लिए बड़ी 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 मतलब खुश वाली बात होती है. अच्छा, मैं एबिस्टर विलेज गई थी, तो वहाँ पे ब्रांडेड चीज़ें, बस एलवी नहीं होता, लेकिन बाकी चीज़ें जैसे गुच्ची वर्साचे ये सब वो सब रीजनेबल प्राइस में मिल जाते. तो फिर आप सोचते ये भी ले लो, वो भी ले लो, तो उसमें से मुझे ये दो बैग लिए थे मैंने. एक है विक्टोरिया सीक्रेट, ये तो मैंने वहाँ ग्लासगो से लिया था, ये बैग मैंने वहाँ से लिया था बिस्टर विलेज से. तो ये मेमोरी भी इसके साथ भी वही मेमोरी, बड़ी रफ एंड टफ बैग है. मतलब पिछले 4 साल से जिम जाने के लिए मैं यही के साथ हूँ, 3 साल सॉरी, अपने ब्याह वहाँ पे लेट कराई जा रही है. ये है वेस्टसाइड का बैग जो मैंने शीना को स्पेशल भेज के लिए, एक सूट दिमाग में रख के मैंने लिया था जो मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया कभी, पर मैंने रखा है कभी तो यूज़ करूँगी. अच्छा, इसके अंदर डोलो भी है, वाह हो, इससे पता चलता है कि हम बीमार कभी भी पड़ सकते हैं. सो ये मैंने संभाल के रखा है. और हाँ, ये भी मैंने बैग टॉय वुड्स का है जो मेरा फेवरेट है. मतलब अगर आप मोस्टली मेरी फोटोज देखोगे तो उसमें यही बैग ज़्यादा यूज़ होता है, पता नहीं क्यों, क्योंकि ये हर किसी के साथ चल जाता है. कुछ मैचिंग ना भी करो तो फटाफट लेके निकल लो. ये मैंने डार्वेज से ऑनलाइन ऑर्डर किया था, बट बड़ा ही अच्छा, 2 साल तो हो ही गए इसको. एंड उसके बाद कौन सा वाला बैग है, ये है चार्ल्स की का बैग. ये भी मैंने लास्ट ईयर लिया था, आई थिंक लास्ट ईयर लिया था शीना, हाँ लास्ट ईयर. सो हमारा क्या होता है, मेरे में हम दोनों मियाँ बीवी ना थोड़े से कंजूस है, मतलब मेरा पति मेरे से ज़्यादा कंजूस है अपने लिए, नॉट फॉर अदर थिंग्स. जब उनको कोई ब्रांडेड चीज़ खरीदनी हो ना तो वो कहते हैं मां जी यार मैं क्या करना, लेके छत पर इतने की है, मैं तो इतने गुआई देनी है, मैं तो ये करनी, लेकिन मुझे बड़ा शौक है. सो हम लोग क्या करते हैं, साल में जब लास्ट में सीजन टाइम होता है ना, मूवीज के शोज लगते हैं या कुछ हमने सेविंग करके रखी, तो हम प्लान करते हैं अच्छा मैंने कौन सी चीज़ लेनी है, उन्होंने कौन सी लिया. और मेरा मेन टारगेट होता है बेल्ट्स का, वॉचेस और बैग. तो मैंने 2-3 बैग कट लिए, उसमें से एक बैग ये था चार्ल्स की का, और ये बैग एलवी जो मेरे लिए तो बहुत एक्सपेंसिव है, क्योंकि मुझे पता है जिस फैमिली से मैं आई हूँ जहाँ अभी भी जहाँ ओह माय गॉड मेरी हिंदी यस इट्स ओके, ऑब्वियसली 6 साल हो गए मुझे यहाँ रहते, तो मेरी पंजाबी हिंदी फिंदी हो गई है, तो मिक्स हो गया सब कुछ. सो ये बैग मैंने तब लिया था जिससे हम बैगवती बोलते हैं. तो मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ और अगर मैं ये लेके जाऊँ तो मैं सबको बोलती हूँ अपनी जान से ज़्यादा इसको संभाल के रखना, इसको गोद में स्पेशल जगह दी जाती है, या फिर ये मेरे चरणों में होता है सो दैट मुझे OCD प्रॉब्लम है, तो मैं इसे साफ करके शीट जाके इसको रखती हूँ. ये उनमें से एक बैग है जो मेरे लिए बड़ा कीमती है. फिर उसके बाद ये बैग है कोच का, जो लास्ट ईयर बॉम्बे जब मैं गई थी तब मैंने लिया था. सो इसमें भी काफ़ी, मतलब आप देख सकते हो, आप साइज़ देख के समझ सकते हो कि आधा घर मैं ले जाती हूँ उसमें, क्योंकि मेरी ऐसी चीज़ें, और जो उठाता है वो ऐसे करता है कि यार तू की पाके लेके आई है रिच. सो उन वो मेरा दर्द नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि मुझे ऐसा होता कोई चीज़ रह ना जाए. वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, क्योंकि व्हाट्स इन माय बैग, मैं असलियत बताना चाहती हूँ कि बैग में असली में है क्या, तो जिस वो मैं अचानक ब्लॉग बनाऊंगी ताकि आप लोगों को पता चले आधा घर क्या लेके चल रहे हैं. हाँ, जैसे अचानक डोलो निकल गए. सो ये है टॉरी वुड्स का एक बैग जो मुझे बड़ा ही सुंदर लगा था, ले लिया, लेकिन लेने के बाद मुझे रियलाइज हुआ इसमें कुछ नहीं आता. मतलब ये सिर्फ शो के लिए, इसमें कार्ड्स के लिए डालो या थोड़ा बहुत कैश डालो, वो भी निकालने में ना बड़ी तकलीफ होती है. सो ठीक है, बट किसी के साथ मैच हो जाता तो प्यारा लगता है. हाँ, देन है ये. अच्छा, इसके अंदर ना मेरे हमारे घर में जगह कम है, क्योंकि फ्लैट्स में वैसा वाला सिस्टम होता है ना, एक अलमारी गरीब को मिली है तो मैं उसमें अपना सामान कैसे भी, तो ये दब जाते हैं. तो मैंने इसके अंदर क्या डाला है, हॉट वाटर बॉटल. ये मैं उस दिन ढूंढ रही थी, अब ले लो. सो ये मैंने इसके अंदर डाल दिया, क्योंकि मैं ना सामान निकाल देती हूँ इसके अंदर. तो अभी ये बैग मैंने मंगवाया था HAUTE24 करके, प्रिटी जिंटा जी की वेबसाइट है जहाँ पे ऑथेंटिक 100% मतलब ओरिजिनल चीज़ें मिलती हैं. तो मैंने ये 2-3 बैग्स वहाँ से ऑर्डर किए थे, फिलहाल मैंने अभी एक ही बार यूज़ किया, बट आई लव दिस कलर, सो ये मैंने तब मंगवाया था. और यह
माई फेवरेट बैग. हाँ, सो मैंने वर्साचे हील्स और वर्साचे बैग इस बार लिया था, क्योंकि इस बार का मेरा टारगेट था तीन चीज़ें. पहले तो मेरा एक ही था, बट पति ने, पति को और ज़्यादा प्यार आ गया, तो जब वो मेरे साथ गए तो उन्होंने मुझे ये दिला दिया था, और हमने की और कुछ कोई बात नहीं. उसमें पहला बैग ये है गुच्ची का, जो मेरा मेन था कि मैंने इस बार गुच्ची लेना ही लेना है. सो ये मेरा प्यारा गुच्ची है. ऐसे स्टोल और वो बेल्ट्स वगैरह मैंने लिए हैं, लेकिन ये थोड़ा एक्सपेंसिव था, तो इसके लिए मुझे सोच समझ के प्लानिंग करके लेना पड़ा था, तो मैंने ये बैग लिया. कितना एक्सपेंसिव था प्लीज बता दो. 2,66,000. मतलब मेरी चीजें 7-8 साल बाद भी देखोगे तो वो वैसी की वैसी ही मिलेंगी. यूज करो और वापस वैसे ही रखो, इज्जत करोगे तो और मिलेगा. ये चार्ल्स किट का मैंने अभी परसों बैग लिया था. मैं कुछ लेने गई थी, मुझे लेने थे बूट्स, बट मुझे ये बूट्स तो मिले नहीं. ये मुझे बड़ा प्यारा लगा, सो मैंने ये बैग ले लिया, क्योंकि मेरा एक सूट है उसके साथ मैच करता था, तो मैंने कहा ऐसे ही मैच तो बड़े कुछ कर जाते हैं, लेकिन ऐसे ही ले लिया. ये बैग भी मैंने लास्ट ईयर लिया था, इसको भी आपने मोस्टली मेरे पास देखा होगा. ये बड़ा ही रफ एंड टफ बैग है, कहीं पर भी लिख रहे हो, क्योंकि इसमें ईजी है, सब है छोटू सा, बट इसमें चीज़ें बड़ी आ जाती हैं. तो उसके लिए है कि लास्ट ईयर मैंने लिया था, मेरा फेवरेट बैग है. उसके बाद है ये ज़ारा वाले बैग, जो ये झोला ही है, मतलब कुछ नहीं आता इसमें. फोटोज में बड़ा सुंदर दिखाया था, तो ऐसे लगता है ये बोरा लेके चल रही है. ये जस्ट शो के लिए मैंने रखा है, कि कभी कुछ डालने हो जाए, ज़्यादा लगता है किसी अलग चीज़ रखनी है तो मैं उसमें डाल देती हूँ, बट ये ज़्यादातर पैक ही रहता है, एक ही बार यूज़ किया और मुझे रियलाइज होती है वेस्ट ऑफ मनी. और ये है, ये मुझे गिफ्ट किया था मुझे अधिक में, छोटी सरदारनी में अधिक है, जो मेरा भतीजा बना हुआ है. सो इज वेरी स्वीट पर्सन, उन्होंने मुझे ये गिफ्ट किया था, तो मैंने संभाल के रखा हुआ. लास्ट बैग है ये मेरा मार्क चेकअप का, जो मैंने अभी लिया है रिसेंटली. मैंने ये बैग लिया था, मैंने बताया ना आपसे, HAUTE मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ, हॉट है क्या बोलते हैं, सो आई एम जस्ट टेलिंग यू. हॉट प्रिटी जिंदा जी की जो वेबसाइट है, जिन्होंने उस पर ये सब ऑथेंटिक बैग्स मिलते हैं, तो मैंने ये बैग वहाँ से ऑर्डर किया, अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया. और लास्ट ये दो बैग्स बचे, ये चुंबक का है बैग पैक, जस्ट थोड़ा बहुत जैसे कभी ड्रेस पहनी हो, बच्चे वाली फीलिंग लेनी हो, तो ये बैग ले लो. और ये चार्ल्स की का मेरा बड़ा पुराना बैग था, आई थिंक हो गए होंगे इसको 4-5 साल, संभाल के रखा. और मेरा लल्ला आ गया है, देखो सही टाइमिंग है, लास्ट में आए हैं. ये बताओ, सो ये मेरे बैग्स की कलेक्शन है. अरे मेन बताओ, ओ यस, ये कैसे भूल सकती थी आप. ये बैग की ना स्टोरी है, मैं और शीना गए थे शॉपिंग करने, हम लोग दिवाली की शॉपिंग कर रहे थे, और शॉपिंग पे ऐसे होता ना कि अच्छा इतने के ही लेने हैं फॉरएवर से हमने कपड़े, तो वो सब हो गया. वो बंदा इतना कन्विंस करे, मैम ये बैग है आपको सिर्फ 99 का पड़ेगा, आप ये ले लो. मैंने कहा अच्छा, तो जो जितने का सामान लेना था उसमें 2,000 का हमने और ऐड किया, तब जाके ये बैग मिला. लेकिन खुशी अलग मिली कि हमने 99 वाला बैग फ्री में लिया. ये बेवकूफ ये नहीं पता 2,000 और वेस्ट कर दिए, लेकिन हमने ये बैग जो फ्री में लिया ना, इसको अभी तक संभाल के रखा है, कि यार फ्री वाले बैग. ये लड़कियों में होता ही होता है, लाख रुपए खर्च लेंगी, लेकिन जो फ्री में चीज 500 रुपए की भी मिलेगी ना, या 5 रुपए भी मिलेगी, वो वाली सबको गागा के पता ही होता ना, फ्री मिला है तो. ये वो वाली फीलिंग थी जो मैंने शीना के साथ की थी. और ये मेरा एक बैग है, H&M का है, लेकिन इसकी धज्जियां उड़ा दी है मैंने, क्योंकि मैं बैग धो भी लेती हूँ. मेरा पति भी बोलता है गुच्ची अलबिना तो ली. सो मैं क्या करती हूँ, अगर मुझे लगता है OCD है, वैसे तो मैं वहीं लेके जाती हूँ जहाँ मुझे पता है मुझे वॉशरूम ना जाना पड़े. अगर मुझे लगता है मेरा बैग भी मेरे साथ वॉशरूम एंटर कर गया, तो वो भी कहता है मेरा बच्चा देख लो स्टोर से बढ़े कुछ ध्यान दे दो माँ ब्लॉग बना भी रहती. सो ये मेरे बैग्स की कलेक्शन है, और इट्स नॉट शो ऑफ, इट्स जस्ट दैट कि मैंने 7-8 सालों से अपने बैग्स जो संभाल के रखे हैं, वो मैंने सोचा आप लोगों को बताऊं. ये देखिए, ये जो घर लेके चलती हूँ इसमें मैं, अभी आधा घर इसके अंदर ही है, वो मैं दिखाना नहीं चाहती थोड़ा सा. सो ये कोच का बैग है, क्योंकि आजकल मैं यही लेके ज्यादा चल रही हूँ, पकड़ा हुआ बड़ा अच्छा लगता है. कुत्ते भैया लेके चलते हैं तो मुझे डॉगीज, आई लव डॉगीज, दो मुझे OCD है, मैं रख नहीं सकती, बट मुझे प्यारे लगते हैं. तो ये बैग्स हैं मेरे,
आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा. आई एम श्योर कुछ लोग ऐसे भी आएंगे, हाँ हाँ इधी कार वाली है, वो बड़े आते हैं ऐसे लोग. बट ट्रस्ट मी, जहाँ से मेरा स्ट्रगल शुरू हुआ है, मुझे याद है जब मुझे फर्स्ट टाइम वो एम्ब्रॉयडरी वाली जीन्स चली थी. ऐसा नहीं मम्मी पापा नहीं लेके दे सकते थे चीज़ें, बट पेरेंट्स ने हमेशा ये बताया अच्छा इस दिवाली थे इस पे ले जाएंगे. सो मैं ट्यूशन्स लेती थी, मैंने 10th क्लास से पढ़ाना शुरू कर दिया था. वाओ मेरा बच्चा देखो. सो मैं ट्यूशन दे के सेविंग करके चीज़ें, मुझे हमेशा होता था कि अच्छा नेक्स्ट टारगेट क्या है. तो मुझे मेरी वो मेमोरी से लेके अब तक ये सारी मेमोरीज हैं, इसलिए मैं चीज़ें संभाल के रखती हूँ क्योंकि वी शुड वैल्यू मनी. और कमाने में बहुत टाइम लगता है, उड़ाने में तो 2 मिनट लगते हैं. गुच्ची वाले ओनली 2,65,000 या 60, वो बड़े मजे से बोलते हैं, लेकिन हमें पता है वो पूरा साल सेविंग करनी पड़ती है उसके लिए, तो जाके वो बैग जाते हैं. सो ये है मेरी बैग्स की कलेक्शन. आई होप आप लोगों को अच्छी लगी. और आप बताइए मुझे आपका कौन सा बैग इनमें से फेवरेट. Happy New Year. Happy New Year, everyone. Say Ridhan, Happy New Year. Happy New Year. Hey, mera chhod dog. Dog Lara. Behind the scene, guys. Behind the scene, yes. Ab inko wapis pack kiya jayega. Mere bachcha dekho, please. Arman, to store bandi kar de, otherwise ye fir wahi ghus jayega. Chalo. Acha, ye bag main bhool hi gayi thi lena. Otherwise ye mera favorite bag tha. Tha kya hai? तो अब दिख गया, तो अब इसको यूज किया जाएगा. इसको वापस रख दिया. इनके मैं कवर्स भी संभाल के रखती हूँ और ये मैं अभी लेके नहीं जाऊंगी क्योंकि सच ऐसा वैसा वाला कोई काम नहीं. मेरी मैं एक कोर्स ज्वाइन करने जा रही हूँ, उसके बारे में मैं आप लोगों से जल्दी बताऊंगी. फिलहाल अब पैक कर दिया. रिदान डोंट गो देयर, चलो चलो इधर. शिनाई में पड़ी एक सेकेंड. मेरा प्यारा सा बैग वापस पैक किया जाए. नहीं ओके कोई बात नहीं. यस देखिए अरमान वो उसके पैर रखे हैं सारे. सो ऐसा नहीं है कि हस्बैंड लेके नहीं दे सकते, कि मैंने जैसे बोला कि मेरे बच्चे गद्दे बोले मेरे ऋतु का पिल्लो ना दे दू. कुशन कुशन बेटे कुशन, ये मैं सब बैग के अंदर डाल रही हूँ क्योंकि दब जाते हैं ये. इसलिए क्योंकि मेरा पति चाहे तो बोले अच्छा है भी लला वो भी लला, बट नहीं मुझे उसको लुटाना नहीं है. हम चाहते कि हम सेविंग करें और लोग कुछ कहें कि यार कुछ बनाया है कि उसे वो जाड़ा ही नहीं है बैगा च. कैन वाले कह भी देंगे, घर वाले तो सिर्फ बैगा च ही पैसे उड़ाते रहते हैं. बट आई डोंट वॉन्ट, इसलिए मैं साल में एक बार अच्छे से शॉपिंग करती हूँ. रिदान मम्मा के बाल खींच रहे हैं. आई होप आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो. लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ना दबाना ना भूलें. और इस साल मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाइए प्लीज, 59.9 पे ही अटके हुए हैं. थैंक यू एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर, लव यू गाइस.